फिजिक्स में हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये कंसेप्ट आपको बहुत अजीब लगेंगे और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने अजीब होते हैं कि फिक्शन में भी आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना फिजिक्स में इंटरेस्ट आ सकता है। तो फिजिक्स में एक चीज़ आपने पढ़ी थी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? हर मटेरियल में एक टेंडेंसी होती है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन को वो खुद चेंज नहीं कर सकता, बाहर से आके किसी को उसे चेंज करना पड़ता है। बाहर से जब आकर भी कोई उसको चेंज करता है तो वो उसको अपोज करता है, चेंज करने नहीं देता। ये कैरेक्टरिस्टिक हर ऑब्जेक्ट में होती है और इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इनर्शिया। इनर्ट रहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का गुण, ये इनर्शिया कहलाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, अगर हम इसको कुछ नहीं करेंगे तो सालों तक ये यहीं पड़ा रहेगा, ये कभी भी अपने आप यहां पर नहीं जा पाएगा, एक चीज। दूसरा, अगर मैं इसको यहां पर ले जाना चाहता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये नहीं जा रहा है, मुझे पुश करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो मैं ये क्या कहता हूं कि इसके पास इनर्शिया है और उस इनर्शिया के कारण ये मेरे फोर्स को अपोज करता है। तो हर एक के पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती ही है क्योंकि वो मटेरियल है। तो हर मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी है, उसको हम एबिलिटी नहीं कहेंगे, वो उसकी इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू मेक इट्सेल्फ चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। अगर उसका मोशन 5 की वेलोसिटी से ये चल रहा है, ये इसको ना 6 कर सकता है ना 4 कर सकता है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसको ना ये +1 कर सकता है ना -1 कर सकता है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया। ये इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या हम मेजर कर सकते हैं? फिजिक्स में हमारा प्रिंसिपल है, हम हर क्वांटिटी को मेजर करते हैं तभी वो फिजिक्स है, अगर मेजर नहीं कर सकते तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हर कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर करते हैं फिजिक्स में। तो ये जो इनएबिलिटी है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं इनर्शिया को? तो हमने कहा हाँ कर सकते हैं। इनर्शिया को कैसे मेजर करेंगे? तो हमने कहा इनर्शिया किस कारण से है, उस रीजन को हम एक नाम देना चाहते हैं, उस रीजन को नाम देना चाहते हैं। और नाम देने का तरीका देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट पर इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तब जाकर ये यहां से चला, उसके पहले 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन नहीं चला, 5 न्यूटन लगाया, चल पड़ा, ठीक है। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखा और इसको फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और ये चल पड़ा। तो मैं क्या कहूंगा? इसका इनर्शिया कम है, इसका इनर्शिया ज्यादा था, इसके इनर्शिया को पार करने के लिए मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। जब मैंने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका इनर्शिया ज्यादा है। जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया कि इन दोनों पर मैंने फोर्स लगाए, इस पर लगाया सपोज 10 न्यूटन, इस पर लगाया 5 न्यूटन, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, या दोनों पे 10 न्यूटन लगाया, एक पर मैंने फोर्स लगाया एफ, इसमें एक एक्सेलरेशन आ गया A1। तो मैंने एक कैलकुलेशन की, एफ इज प्रोपोर्शनेट टू A1, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू A1, तो एफ अपॉन A1 इज ए कॉन्स्टेंट। अच्छा, यही फोर्स मैंने इस पर भी लगाया, देखिए इसको धक्का दिया था 10 से, इसको भी धक्का दिया 10 से, लेकिन इसको जब 10 से धक्का दिया तो ये धीरे से चला, इसको जब 10 से पुश किया तो ये तेजी से चला, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, इसका एक्सेलरेशन A2 हो गया। तो इस बॉडी के लिए F अपॉन A2, ये इसका एक कॉन्स्टेंट है।
अब F अपॉन A, इसी F को मैं हर चीज पर लगाते चला गया, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका एक्सेलरेशन अलग आया, इस पर 10 न्यूटन का लगाया, इसका एक्सेलरेशन अलग आया, हर एक में मैं F अपॉन A कैलकुलेट करता हूँ, तो F अपॉन A किसी में 1 आता है, किसी में 2 आता है, किसी में 5 आता है, किसी में 100 आता है, तो ये होता क्या है F अपॉन A? मैंने बोला ये F अपॉन A अपोजिशन है। F अपॉन A क्या है? अपोजिशन। जो जितना ज्यादा अपोज करेगा उतना उसका एक्सिलरेशन कम होगा। अब इस अपोजिशन का हम एक नाम रखना चाहते हैं कि जब मैं फोर्स लगाता हूं, एक्सिलरेशन होता है, तो F इज इक्वल टू ये क्या चीज होनी चाहिए जो कि ये डिसाइड करती है कि कितना फोर्स लगाने से कितनी स्पीड बढ़ेगी, ये कौन सी चीज है मैथमेटिकली? और अब आप सब लोग इसका नाम जानते हैं, क्या चीज है? मास। इसका हमने नाम क्या रखा? मास। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? ये अपोजिशन है, ये इनर्शिया है जो कि इनर्ट रखना चाहता है। इसके पास ये इनर्शिया है 5 kg, 5 kg। अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो अपोज कौन करता है? 5 kg। इसलिए इसकी स्पीड कम आती है। इसका इनर्शिया 1 kg है, मैं फोर्स लगाता हूं तो ये तेजी से चलता है क्योंकि अपोज करने की ताकत सिर्फ कितनी है? 1 kg। ये मैंने इसको उठाया और इस पर फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन बहुत कम आया क्योंकि इसके पास अपोज करने की ताकत 10 है। तो मैंने 10 फोर्स लगाया, 1 एक्सेलरेशन सिर्फ आया। तो ये जो अपोज करने की ताकत है उसका नाम हमने क्या रखा? इनर्शिया। ये अब हम ढूंढने चलते हैं कि इनर्शिया को बनाता कौन है। तो हमने क्या देखा कि उसमें जितने कंटेंट्स हैं, जितने पार्टिकल हैं, वो सब मिलकर उसके अपोजिशन को बनाते हैं और उससे इनर्शिया बनता है। और उस प्रॉपर्टी का नाम, हमने रखा मास। तो मास क्या होता है एक ऑब्जेक्ट का? तो आंसर है मास उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक गुण है, उसके कारण हमारे लगाए हुए फोर्स को वो अपोज करती है चीज, मैं ऐसा हाथ ऊपर करता हूं, इसको मैंने यहां पे रखा, इसने अपोज किया, मैंने कहा ये तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, ये उठा दिया इसको आराम से, कोई अपोजिशन नहीं, बड़ा थोड़ा सा अपोजिशन है, मैंने इस अपोजिशन का नाम रख दिया 1। ठीक है, अब आपने उठाकर इसके ऊपर 2 बुक्स रख दी। अब मैं बोलता हूं ये अपोजिशन ज्यादा है, इस अपोजिशन का नाम मैंने रख दिया 500, इससे 500 ज्यादा था। फिर आपने उठा के एक 10 किलो का बाट रख दिया यहां पे, अब मैं उठा ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? अपोजिशन बहुत ज्यादा है, ये हिलता नहीं है। हिलता नहीं है मतलब इसका क्या ज्यादा है? इनर्शिया। और इनर्शिया का मेजरमेंट का नाम हमने क्या रखा? मास। तो इसका मास ज्यादा है। तो बेसिकली मास क्या प्रॉपर्टी होती है? मास वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। नंबर एक, मास वो प्रॉपर्टी होती है जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसको अपोज करती है और वो डिसाइड करती है कि इस फोर्स लगाने से मुझे कितनी स्पीड से चलना है। अगर मास ज्यादा होगा तो वो कम स्पीड से चलेगी और मास कम होगा तो ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो ये है इनर्शिया। फिर से, इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वो जो भी उसकी वेलोसिटी है 0 तो 0 में रहना चाहेगा, उसके चेंज को अपोज करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी 20 है तो 20 में ही रहना चाहेगा, हम फोर्स लगाएंगे तो उसको अपोज करेगा। तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? इनर्शिया। इस इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे करते हैं? लीनियर मोशन में जो इसका मेजरमेंट जिस कैरेक्टरिस्टिक से करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम हमने क्या रख दिया? मास। उसका फॉर्मूला क्या बना? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। हमने फोर्स लगाया, उसमें एक्सेलरेशन हुआ, दोनों का रेशियो ले लिया, वो हमको क्या मिलेगा? मास। दिस इज मास। ठीक है, तो आप छोटी क्लासेस में 8, 9, 10 में एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज मास? तो उसमें क्या बताया जाता है? कंटेंट्स ऑफ ए मटेरियल इज मास।
ये सबसे बेकार डेफिनेशन है. सो दिस डेफिनेशन हैज नो सेंस, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता. कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या होता है? तो अभी हम लोगों की ऑल इंडिया फिजिक्स टीचर्स की एसोसिएशन में ये डिस्कशन बहुत तेजी से चल रही है और हम लोग इसमें कुछ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ मास, कि क्लास नाइन्थ में मास को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए. तो कंटेंट्स बोलने से फिर यही होता है कि कंटेंट्स क्या है, तो इट्स नॉट क्लियर. तो इसीलिए उसकी बेस्ट डेफिनेशन रहती है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी देन इट अपोजेज द फोर्स एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक विच अपोजेज द फोर्स इज नोन एज मास. वो एंड हाउ डू वी मेजर द मास? फोर्स अपॉन एक्सिलरेशन गिव्स मास ऑफ ए बॉडी. ओके, तो ये मास और इनर्शिया, इनर्शिया प्रॉपर्टी है. उस इनर्शिया का रीजन क्या है? मास, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल होता है. अच्छा, इनर्शिया इनएबिलिटी है. अब हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक लीनियर मोशन स्ट्रेट चलना, एक रोटेशनल मोशन गोल घूमना. जैसा ये पंखा गोल घूम रहा है, इसके पास रोटेशनल मोशन है. ये चल के कहीं जाता नहीं है. पंखा चलता है पर चल के कहीं जाता नहीं है, यहीं खड़ा है. तो चल भी रहा है और खड़ा भी है. तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने क्या दिया था? इट हैज नो लीनियर मोशन बट इट हैज रोटेशनल मोशन. तो मोशन दो तरह के, लीनियर और रोटेशनल. लीनियर मोशन में जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो अपोजिशन क्रिएट होता है दैट इज गिवन बाय एफ अपॉन ए एंड दैट इज नोन एज मास. एंगुलर मोशन के लिए हमने किसी बॉडी पर ऐसे दो फोर्स लगाए घुमाने के लिए, जैसे स्टेयरिंग को पकड़ा और ऐसे घुमाया, साइकिल के हैंडल को पकड़ा, ये दो फोर्स लगाए. तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए, रोटेशन के लिए, वी ऑलवेज नीड टू फोर्सेस. रिमेंबर, एक फोर्स से कभी भी आप रोटेशन नहीं कर सकते. इट हैज टू बी टू फोर्सेस. आपको कभी कभी लगता है हम दरवाजे को एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से पकड़ के ऐसे दरवाजे को खींचते हैं, गोल घूम जाता है. दैट इज रॉन्ग. हम एक फोर्स नहीं लगा रहे, हम दो फोर्स लगा रहे हैं. जब हम दरवाजे को, यहां पर दरवाजे का कब्जा है, जब हम दरवाजे को ऐसा खींचते हैं तो ये पूरा दरवाजा ऐसा क्यों नहीं आ जाता? हम पढ़ेंगे उसको, टॉर्क में पढ़ेंगे. जब भी हम दरवाजे को ऐसा खींचते हैं, ये कब्जा इसको इधर आने नहीं देता. अगर ये इसको इधर नहीं आने देता तो यहां ऐसे रोकता है. अब हमने इधर फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिएक्शन इसमें पैदा हुआ. वो किधर फोर्स लगाएगा? इधर. ये दूसरा फोर्स है. तो एक फोर्स हम लगाते हैं, दूसरा फोर्स जो उसका कब्जा है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है. इस चौक को मैं ऐसे खींच सकता हूं लेकिन अगर मैं यहां पकड़ लूंगा तो नहीं खींच सकता. ये अब देखिए कितने फोर्स हो गए, एक मैं लगा रहा हूं, एक ये, दो फोर्स हो गए. दो फोर्स हो गए तो इसका मोशन कैसा हो गया? सर्कल, रोटेशन हो गया. तो रोटेशन में कितने फोर्स लगते हैं? दो. ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन से डिफरेंट होता है. लीनियर मोशन में एक फोर्स, रोटेशनल में दो फोर्स. अच्छा, दो फोर्स से हम रोटेशन करेंगे, रोटेशनल मोशन होगा. लेकिन हम क्या देखते हैं कि किसी चीज में हमको 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो घूम जाती है और किसी में 10 न्यूटन लगाते हैं तो घूमती है. फिर वही चीज आ गई, हर एक के पास अपोज करने की एक ताकत होती है और अपने आप रखा हुआ चीज कभी नहीं घूमता है. यानी इसके पास भी इनर्शिया होता है. रोटेशनल मोशन में भी एक इनर्शिया होता है और वो इनर्शिया क्या करता है? वो इनर्शिया उसको एज इट इज मेंटेन करना चाहता है. अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अपने आप नहीं चलेगी. हम चलाना चाहेंगे, अपोज करेगी. क्या प्रॉपर्टी? इनर्शिया. ठीक है, एक बॉडी घूम रही है, हमेशा घूमती रहेगी. जब तक बाहर से कोई फोर्स लगाने नहीं आएगा कभी खड़ी नहीं होगी. आपको आश्चर्य होता होगा कैसे हमेशा घूमती रहेगी. आश्चर्य की कोई बात नहीं है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं. कब से घूम रही है अर्थ? करोड़ों साल से घूम रही है. तो क्यों नहीं रुकती? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं उसको रोक सकता हूं हाथ लगा के, पर मेरे को अर्थ के बाहर खड़े होने की जगह तो चाहिए नहीं है. तो यही गैलीलियो ने कहा था कि मैं अर्थ को रोक सकता हूं, मैं अर्थ को उठा सकता हूं, पर उसके बाहर खड़े होने की जगह तो मिले नहीं है. तो अर्थ पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं सकते, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते. और घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ले. और ये इनएबिलिटी का नाम हमने क्या रखा? इनर्शिया.
अच्छा, अब लीनियर मोशन में भी इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन में भी इनर्शिया होता है, दोनों की कैलकुलेशन थोड़ा अलग अलग होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग अलग होती हैं, इसलिए हमने दोनों के नाम भी अलग अलग कर दिए कैलकुलेशन के बेसिस पे। जो इनर्शिया लीनियर मोशन में होता है उसको हम मास कहेंगे और उसका नाम सिर्फ इनर्शिया है, लेकिन जो इनर्शिया रोटेशनल मोशन में होता है वो उसके रेडियस पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी छोटी सी है, बॉडी बहुत बड़ी है या कितनी बड़ी है, इसलिए उस इनर्शिया का नाम हमने बदल के रखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया होता है पर किस मोशन में होता है, दिस इज इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रोटेटिंग सिस्टम। बॉडी के लिए मैंने आपको क्या नाम बताया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेटिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड अपोज एनी एंगुलर फोर्स Applied on it। ये हमने डेफिनेशन बना दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इस डेफिनेशन को एक बार दो बार पढ़िए, पढ़ के देखिए हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आता है या नहीं। आर यू एबल टू कनेक्ट इट? ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ आएगा तभी आप इसको याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, देखिए आपको ये समझ आया कि नहीं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये शब्द याद रखिए, ये क्या होती है इसकी इनहेरेंट, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरेंट शब्द का क्या मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक हम बनाते नहीं हैं। ठीक है, यानी किसी चीज को कलर कर दिया उसमें एक रेड कलर प्रॉपर्टी आ गई, फाइन उसको घिस दिया तो चिकना हो गया। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हम बना नहीं सकते, उसके अंदर होती ही है, हर घूमने वाली चीज के पास ही कैरेक्टरिस्टिक होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब ये चीज हमको आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका सिंपल मुझे आप क्या समझे, इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे हाथ में दो बॉल हैं, दोनों बॉल एक जैसे डायमीटर के हैं, एक जैसे कलर के हैं, एक जैसे मास के, दोनों एक एक किलो के हैं, दोनों का साइज एक है, दोनों को मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और ऐसे फ्लोर पे डाल दिया। एक जाके 2 मीटर पे रुक गया और दूसरा 4 मीटर गया, वहां जाके रुक गया। पहला 2 मीटर, दूसरा 4 मीटर पे जाके रुका, तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ? दोनों पे सरफेस एक जैसा फ्रिक्शन लगा रही है, फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एम जी, दोनों का एम 1 किलो है, दोनों एक ही फर्श पर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन तो दोनों पे बराबर है, फिर भी एक 2 तक गया और एक 4 तक गया, क्यों? क्या चीज दोनों की अलग है बताइए? रेडियस, रेडियस एक ही है, नहीं फोर्स भी एक ही है, दोनों को एक ही वेलोसिटी से मैंने ऐसे ढकेला, दोनों को एक जैसी वेलोसिटी दी, दोनों का रेडियस एक है, दोनों का मास एक है, दोनों लकड़ी के बने हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे हैं, फिर एक 2 मीटर पे क्यों जाता है, एक 4 पे क्यों जाता है?
राइट, यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतनी देर से कि दोनों के पास एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, आप बताइए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो 4 मीटर गया कि 2 मीटर गया? सोचो सोचो। मैंने, अच्छा सुनो, मैंने जब स्टार्ट किया उसके पास वेलोसिटी थी या नहीं थी? जैसे ही मैंने फ्लोर पे छोड़ा, वेलोसिटी दी, इनर्शिया के कारण वो क्या नहीं कर सकता? चेंज नहीं कर सकता, यानी चलता जाएगा कि रुका हुआ होगा? चलता जाएगा। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो क्या करेगा? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, उसको रुकना नहीं आता। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी टू चेंज। मैंने उसको मोशन दिया घूमने का, उसके पास इनर्शिया है, इनएबिलिटी है, वो रुक नहीं सकता, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन रुकते तो दोनों हैं, इसका मतलब किसी के पास इनर्शिया कम है और किसके पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा है वो क्या करेगा? ज्यादा देर तक चलता जाएगा, तो वो कहां जाएगा? 4 मीटर पे। और जिसके पास इनर्शिया कम है वो 2 मीटर पे रुक जाएगा। ये समझ में आया? तो ये क्या चीज है? इनर्शिया, इनएबिलिटी। ये बात समझ में आ गई? फिर से याद रखिए, दो बॉल को हम ऐसे लुढ़काएंगे एक जैसी वेलोसिटी देके, जो वेलोसिटी को ज्यादा देर मेंटेन करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाता, इट मेंटेन्स द वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी को मेंटेन करेगा उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और जो मेंटेन नहीं कर सकता उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। इससे एक और बड़ी मजेदार चीज होती है, हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए ये साइकिल का व्हील है, ये जब हम यहां जा रहे हैं रास्ते में एक पत्थर आया तो इस व्हील को इसके ऊपर जाने के लिए इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है, ये ऐसा ऊपर चढ़ेगा और फिर इधर से निकल जाएगा। अब बताइए, हमारे पास दो तरह के व्हील हैं, एक साइकिल में आप जाते हैं, उस साइकिल में जाते हैं और जैसे ही पत्थर आता है व्हील जाके उससे टकराया और रुक गया। दूसरे साइकिल में हम गए, वो व्हील उससे टकराया और ऐसा पार करके साइकिल आगे बढ़ गई। फिर से देखिए, रास्ते में एक पत्थर आता है और हम बच्चों की साइकिल पर हैं, जैसे ही वो आता है साइकिल रुक जाती है उससे टकरा के। दूसरी बार हम आते हैं ट्रक में बैठ के और फिर वो पत्थर बीच में आता है, हम तो उसका एक्सीलरेटर भी नहीं देते, ट्रक चल रहा है आराम से उस पत्थर को पार करके वो व्हील चला जाता है। बताइए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ट्रक के व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी को रोक नहीं पाता, वेलोसिटी को मेंटेन करता है। तो जो वेलोसिटी को मेंटेन करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ठीक है? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है कि वो अपने को चेंज नहीं कर सकता। ये समझ आया? इसका उल्टा भी होता है, उल्टा फायदा भी होता है या नुकसान भी होता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो चीज रुकी हुई है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो भी रुकी हुई है। दोनों को हम चलाना चाहते हैं, किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो रुका ही रहना चाहता है, चलना चाहता ही नहीं है, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तब हम उसको चला सकते। तो आपको मालूम है ट्रक का व्हील घुमाना है, हमको ज्यादा फोर्स लगेगा, पर अगर एक बार चल पड़ा तो फिर वो रुकेगा नहीं। क्यों? ये क्या कि कौन सी प्रॉपर्टी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको समझ आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, तो वो अपने आप के अपने मोशन को मेंटेन करता है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखिए ये डेफिनेशन, दिस इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेटिंग सिस्टम विच कैन नॉट चेंज कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। चल रहा है, रुक नहीं सकता वो, ठीक। अब हम आते हैं, अब ये प्रॉपर्टी तो आपकी समझ में आ गई, अब ये है कि हम इसको नापेंगे कैसे, कितना कम कितना ज्यादा, क्योंकि हमको क्या नापना आता है? हमको मास नापना आता है, हमको लेंथ नापना आता है, हमको टाइम नापना आता है, टेम्परेचर नापना आता है, 7 क्वांटिटीज हमको नापनी आती है। तो इसको कहां से नापेंगे? वही बेसिक क्वांटिटी से हम नापना चाहते हैं। तो इसका हमने डिसाइड किया, ट्रायल किया,
ट्रायल एरर कर करके हमने इसका फॉर्मूला निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट मास से, पार्टिकल से, एक पार्टिकल को हमने धागे से बांधा और घुमाया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर डिपेंड करता है कि उस धागे की लंबाई कितनी, और उसके बेसिस पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनाया, इनर्शिया उसका नाम दिया आई, रोटेशनल मोशन में आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका फॉर्मूला हमने बनाया एम आर स्क्वेयर, ये दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अगर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बताएंगे, बताइए। हाँ, एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, इज इट हैविंग एनी डायरेक्शन और नो डायरेक्शन, स्केलर और वेक्टर? तो आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, घूमने वाली चीज के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इस कैरेक्टरिस्टिक का जिस तरह से मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कंटेंट उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटेंट है, उसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, ये कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, अब आप मुझे बताइए इसका यूनिट क्या होगा, ये आप बताइए यूनिट, इसको देखकर बोलो यूनिट, केजी, यस केजी मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट लिख लीजिए, केजी मीटर स्क्वायर, ओके। इसकी डायमेंशंस बोलिए, वेरी गुड, इसके पास मास होता है एम, इसके पास लेंथ होती है दो बार, टाइम, टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, मास लेंथ टाइम, तो इसमें मास की एक डायमेंशन, लेंथ की दो डायमेंशन और टाइम की कोई डायमेंशन नहीं होती। इससे हमको क्या पता लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लेंथ यानी रेडियस, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चार गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर है, लेकिन अगर मास को डबल करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ दो गुना बढ़ेगा। ये हमको डिपेंडेंस यहां से पता लगी, वन और टू से, ठीक है, टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। सो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज एट गॉज यूनिट के जी एम स्क्वेयर, दिस और ये उसका इफेक्ट होता है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। अब हम आगे आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किसके लिए है? ये इसके लिए, वन पार्टिकल। अब अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, ये अर्थ है, ये मून है, और ये दोनों ऐसे घूम रहे, दिस इज ए सिस्टम, सोडियम क्लोराइड नमक का मॉलिक्यूल, इधर सोडियम है इधर क्लोरीन है, दोनों ऐसे घूम सकते हैं, उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, सोडियम से कि क्लोरीन से? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओके। एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखता हूं आपको याद है कि नहीं है, अगर मैं इसको हवा में उछाल देता हूं ऐसा घूमने के लिए, तो ये किस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा? सेंटर ऑफ मास, ये सबको याद है, किसके चारों तरफ घूमेगा? सेंटर ऑफ मास। तो कोई भी फ्रीली रोटेटिंग बॉडी किस पॉइंट के चारों तरफ घूमती है? सेंटर ऑफ मास के। हम इसके बीच इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स लगाऊंगा तो घूमने वाला पॉइंट बदल जाएगा, यहां मैंने फोर्स लगाया और ऐसे घुमाया, अब इसके साथ मजबूरी है, इसी के चारों तरफ घूमेगा ये, और अगर कोई मजबूरी नहीं है, फ्री है, तो किसके चारों तरफ घूमेगा? सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमेगा। हम वो सिचुएशन ले रहे हैं जब ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, फ्रीली रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमेगा। अब अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, ये दो पार्टिकल हैं, तीन पार्टिकल हैं, चार पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल्स हैं,
एन पार्टिकल्स के मास सबके, मान लीजिए मास सबका एम है, या एम वन एम टू एम थ्री, सेंटर ऑफ मास से सबका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ये सबका डिस्टेंस, दिस इज आर वन, सॉरी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, इसी तरह से आर एन, ये सारा, ये पूरी की पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है, ये पूरी बॉडी घूम रहे हैं। तो अगर ये एक बॉडी है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो इसके लिए कंपलसरी क्या है? कंपलसरी है कि हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एक समान होगी। जैसे ये पंखा एक बॉडी है और वो पंखा दूसरी बॉडी है, इस बॉडी में तीनों ब्लेड एक ही स्पीड से घूमते हैं। अगर एक एक सेकंड में तीन चक्कर लगाता है तो दूसरा भी तीन चक्कर लगाएगा, लेकिन ये अगर एक सेकंड में दो चक्कर लगा रहा है तो इसका दूसरा भी दो चक्कर लगाएगा। ये तीन लगा रहा है, वो दो लगा रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग बॉडी से। समझ आ रहा है? ओके, तो ये एक बॉडी के सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एक समान ही होती है। अब ये सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सभी एंगुलर वेलोसिटी कर रहे हैं, तो ये अपना ऐसा सर्कल बनाता है, ये ऐसा छोटा सर्कल बनाता है, ये भी एक ऐसा सर्कल बनाता है, ये ऐसा सर्कल बनाता है, लेकिन सेंटर सबका एक ही है। तो ये जो पहला पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन, आई वन, दूसरे का इनर्शिया आई टू, तीसरे का आई थ्री, इस तरह से आई एन, nth पार्टिकल का। तो इस बॉडी का जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये इन सब का सम हो जाएगा, सिंपल सम बस, और कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, ये एक बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। और ये इतनी छोटी सी, इतनी सिंपल चीज है कि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं इसको भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आईआईटी में इसका न्यूमेरिकल आया है, अभी कुछ साल पहले ही आया, सिंपल। और उसको हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, चार पार्टिकल दिए हैं, चारों का एमआर स्क्वायर निकालिए आई, और सबको जोड़ दीजिए, पूरी बॉडी का आ गया। अदरवाइज हम बॉडी के 10 फॉर्मूले लगाते रहते हैं कि हमको एक कोन का फॉर्मूला याद नहीं है, एक कोन ऐसे घूम रही है, फिर एक क्यूब है, क्यूब के इस तरह से क्यूब लिया और ये ऐसे घूम रहा है। इस तरह से हमको बहुत प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, हमको क्वेश्चन क्या दिया गया, एक क्यूब घूम रहा है, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां, एक किलो, दो किलो, तीन किलो, चार किलो यहां रखें और ये ऐसा घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। अब हम लगातार ढूंढ रहे, अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं कि ये वाला सिस्टम हमने कहां पढ़ा है, कि एक क्यूब को कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सिस बनाकर हम ऐसे घुमा रहे हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। हमको कोई फॉर्मूला नहीं मिलता इसका, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। ये एक पार्टिकल है, इसका एम आर स्क्वायर निकालिए, इसका एम आर स्क्वायर निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, चारों को जोड़ दीजिए, आ गया टोटल। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से सब फॉर्मूले बने। जैसे मैथमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1+1 2, बस इसी फॉर्मूला से पूरी मैथमेटिक्स बनी है। 1 को आप 4 बार जोड़ दीजिए, 1+4 5, कहां से आया 1+1+1+1। उसके बाद 4 को हमने 3 बार ऐड करना है, 4+4+4, तो हमने क्या बना लिया, 4×3 मल्टीप्लीकेशन। पर वो भी बेसिकली क्या है, 1+1+1+1 चार बार करिए, उसको 3 बार करिए, फिर सबको प्लस करिए, उस पूरे का छोटा फॉर्मूला क्या है, 4×3। 4×4 करना है, हमने एक और फॉर्मूला बना लिया, 4² वो भी बेसिकली किससे बना है, 1+1+1। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, आई ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज I1, I2, I3, I4 सबका। और इसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, m1 r1 square plus m2 r2 square and so on, n पार्टिकल हैं तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम। अब इसको इतना लंबा लिखने की बजाय
वी कैन हैव ए सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में, इसको हम लिखते हैं सिग्मा। ये टेक्निक सबको मालूम है, एम आर स्क्वेयर, और 1, 2, 3 की जगह क्या लिखेंगे, आई, और आई की वैल्यू यहां लिख लेंगे, आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड आई गोज अप टू एन। ये नोटेशन हमको क्या बताता है, M1 R1 M2 R2 ऐसा करते करते कितने पार्टिकल तक जाना है, 1 से लेके n तक, ये सब का समेशन, एंड दिस समेशन इज इक्वल टू आई। ये दिस इज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसका मीनिंग अब आपको मालूम है, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप बना सकते हैं। लेट मी सी, मेरे पास दो बॉल है, दोनों का शेप स्फेरिकल है, दोनों का साइज एक जैसा है, दोनों का मास एक जैसा है, तो दोनों का कलर भी एक जैसा है। दोनों को देखकर आप डिफरेंट नहीं बता सकते कौन सा कैसा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है अंदर से, तो बाहर से पता नहीं लगता क्योंकि दोनों का मास एक जैसा है। अच्छा, उन दोनों को लेकर मैंने ऐसे ग्राउंड पर दोनों में स्पीड लाई और स्पीड लाकर ऐसे ग्राउंड में छोड़ दिया। जब मैं ऐसे स्पीड से स्पीड बिल्डअप करके ग्राउंड पे छोड़ देता हूं तो दोनों लुढ़कते हुए चले जाते हैं आगे, एक 5 मीटर पर जाकर रुकता है और दूसरा 8 मीटर तक जाता है, वहां जाकर रुकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि दोनों में ऐसा क्यों होता है। फिर से, दोनों का मास बराबर, दोनों का साइज रेडियस बराबर, दोनों को एक जैसी वेलोसिटी दी है उसके बाद भी, और दोनों पे लगने वाला फ्रिक्शन जो कि उसको रोकता है वो भी एक जैसा है, एक ही फ्लोर पे दोनों जा रहे हैं, फिर एक 5 मीटर पे क्यों रुकता है और दूसरा 8 मीटर तक क्यों जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक दोनों की डिफरेंट है। हाँ, ओके, तो आंसर है दोनों का इनर्शिया डिफरेंट है, दोनों के पास इनर्शिया है, दोनों जब चलना शुरू करते हैं तो उनके पास इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी है। ये इसको भी वेलोसिटी दी, इसको भी वेलोसिटी दी, दोनों के पास इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी है और दोनों अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, कोई चेंज नहीं करना चाहते वेलोसिटी में, चलते रहना चाहते हैं। अब वो तो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन लगता है जो दोनों को रोकता है, जब ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन का फोर्स दोनों को रोकने की कोशिश करता है तो एक 5 मीटर पे रुकता है, जल्दी रुक जाता है, लेकिन दूसरा 5 मीटर पे नहीं रुकता और आगे चलते जाता है, 8 मीटर तक चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसका क्या ज्यादा है, तो आंसर है उसका इनर्शिया ज्यादा है, और रोटेशनल मोशन है तो हम ये बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा और चलता जाएगा, चलता जाएगा, दूर तक चलता जाएगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों बॉल का साइज एक है, दोनों का मास एक है, फिर एक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों है और एक में कम क्यों है, ये एक एग्जाम्पल है। ये इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि दोनों में जो पार्टिकल्स के पास मास है उनकी लोकेशन अलग अलग है। सॉलिड में सोचिए, जो पार्टिकल हैं वो यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी। जब सॉलिड में एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, ये वाला पार्टिकल जब घूमता है तो ये इतना बड़ा रेडियस बनाता है और ये इसका सर्कल है तो इसका आर इतना बड़ा है, ये वाला जब घूमता है ये तो इसका आर छोटा है, ये घूमता है तो इसका आर और छोटा है और ये वाले का आर तो और भी छोटा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 पार्टिकल हैं, सबके रेडियस मैक्सिमम रेडियस आर के बराबर है, उसके बाद रेडियस छोटे होते चले जाते, ये कौन है, सॉलिड। लेकिन
यही जब हम हॉलो की बात करते हैं तो हॉलो में अंदर हवा है और पूरा का पूरा मास इसी में ही है। ये यहां पर देखिए, हर पार्टिकल आर डिस्टेंस पर है, यहां का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बनेगा, इसका एम आर टू स्क्वायर बनेगा जो कि इससे छोटा है, ये इससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है। तो अगर इसके पास 20 पार्टिकल थे, 5 5 5 5, तो ये वाले 5 का मैक्सिमम और ये वाले 5 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, इसका और कम, इसका और कम, 20 पार्टिकल थे 20, इसी मास का ये भी बना हुआ है, तो इसके सब के सब 20 पार्टिकल्स यहीं पर हैं, ये, और सब का रेडियस आर है और हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। इसी को ही आपने 20 बार जोड़ना है, जबकि यहां पर हमने इसको 4 बार लिया था और बाकी 4 बार ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये, जबकि ये सब एक समान बड़े बड़े हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। अब आप देखिए, दोनों का रेडियस एक समान, दोनों का मास एक समान, और लेकिन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। तो इससे हमने एक प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल ये है कि रेडियस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि उसके अंदर मास को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेंटर के पास कितना रखा गया है, दूर कितना रखा गया है और दूर कितना रखा गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये एक प्रिंसिपल बन गया। और इस प्रिंसिपल से हमको और क्या चीज समझ में आई कि जो मास का पार्टिकल सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अगर हमारे पास 100 पार्टिकल हैं और हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बनाना है, तो हम कैसे करना पसंद करेंगे, उनको दूर दूर रखना पसंद करेंगे। इसी प्रिंसिपल को यहां नोट कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू द बॉडी। इन द सिस्टम इफ इट इज नियर टू सेंटर इफ मासेज आर नियरर टू सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be smaller, और इसी का उल्टा, if masses are near circumference moment of inertia will be larger। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसलिए दो बॉडी का मास एक होने से लीनियर इनर्शिया तो एक जैसा होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा नहीं होगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जितना दूर दूर मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसमें जो सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका पूरा मास सर्कमफ्रेंस पर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ज्यादा होगा। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है और वो है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील देखिए, फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील ये आपने देखा होगा बहुत जगह पर होता है, एक गन्ना रस निकालने की मशीन जो होती है उसमें दो रोलर होते हैं, दो रोलर के बीच में गन्ना फंस के जाता है। तो जैसे ही, ऐसे तो बड़ी फ्री चलती है, जैसे ही हम उसमें गन्ना डालते हैं और रोलर के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये रोलर रुक जाता है और फिर बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो वहां पर उस मशीन में हमने देखा
कि एक रोलर के साथ एक बड़ा सा व्हील फिट किया हुआ रहता है और उस व्हील की शेप जनरली ऐसे होती है। ये और यहां से वो शाफ्ट लगा के रोलर के साथ फिट कर दिया जाता है। ओके, ये वाला जो व्हील रहता है इसका ये रिम बहुत भारी और मोटा होता है। यहां पर जितने लोहे का ये बना होता है, मोस्ट ऑफ दैट आयरन, मोस्ट ऑफ द मटेरियल लाइज इन द रिम, तो इसमें मैक्सिमम मास होता है। इसको हम कहते हैं फ्लाई व्हील। जो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे स्टूडेंट्स, वो इसको पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल एंड वर्सेटाइल पार्ट ऑफ एन इंजन। जब भी हम काम कराना चाहते हैं किसी चीज़ से, ये उसमें लगता है। अब इसका पर्पस देखिए, इसका पर्पस ये है, गन्ना रस की मशीन को चलाने में गन्ना डालने के पहले, बिफोर दैट, हम इसको चलाते हैं और इसको स्पीड अप कर देते हैं फोर्स लगा के। चूंकि ये भारी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत है, ये अपोज करता है मोशन को, इसलिए हमको फोर्स से ये धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती। दो चार चक्कर लगा के हम इसकी स्पीड को बहुत बढ़ा देते। जब इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो इसका एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें आ गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हमने गन्ने को ऐसा लगाया दोनों रोलर के बीच में, उसने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के कारण वो रोलर रुकना चाहते हैं। अगर वो रोलर रुकना चाहते हैं तो कौन नहीं रुकने देता? तो आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो चीज चल रही है वो चलते रहना चाहती है, रोलर भी चलते रहना चाहते हैं। और कितना चलते रहना चाहते हैं, किस क्वांटिटी के कारण? इनर्शिया के कारण। रोटेशनल मोशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण चलते रहना चाहते हैं। तो अगर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है कि ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा, चलता रहेगा, गन्ना आ जाएगा, नहीं रुकेगा। और अगर कम होगा तो गन्ना आ जाएगा, रुक जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, चलने की ताकत, चलने का इफेक्ट कम है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा रहे, जैसे ट्रक का चक्का होता है, चलते जा रहा है और रास्ते में एक पत्थर आ गया, ऐसा चक्का ऊपर गया, ऐसा नीचे गया, चला गया, रुका नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत है। उसी तरह से ये जो फ्लाई व्हील है, ये चल रहा है, ऐसा गन्ना बीच में आया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा है कि ये रुकने को तैयार नहीं है, गन्ना दबते हुए उसमें से चला गया और ये नहीं रुका। इस तरह से गन्ने का रस निकाल लिया हमने दबा के। और अगर ये नहीं होता तो जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आता, रोलर का छोटा छोटा रेडियस होता है, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा, वो रुक गया, वो वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। तो वेलोसिटी को मेंटेन कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब तक वेलोसिटी को मेंटेन करेगा? ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स के अगेंस्ट करेगा, कम होगा तो छोटे से फोर्स के अगेंस्ट ही कर पाएगा। हम उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि रोलर चलता रहे। उसके लिए हमने कोई भी एक रोलर के साथ में इसको नटबोल्ट लगा के फिक्स कर दिया। अब ये उसके साथ एक बॉडी बन गई, इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जैसे ही गन्ना वहां पर आता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये रुकने को तैयार नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत लार्ज है, इसलिए चलता चला जाता है। दिस हेल्प्स अस टू मेंटेन द मोशन। ये एक बड़ी छोटी सी चीज है। एक और चीज इसमें होती है, देखिए, वो ये है, हम लोग हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा मोटरसाइकिल का इंजन है, कार का इंजन है, इस तरह के जो इंजन होते हैं। इस इंजन में हम ही इसी क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, कि जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कि हमारे फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, इन इंजिन्स में एक बार जब पेट्रोल जलता है तो इंजिन को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और पिस्टन ऐसा चलता है, उस पिस्टन के चलने के कारण व्हील आगे बढ़ता है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है,
लेकिन इंजन को जब हम बारीकी से स्टडी करते हैं तो पिस्टन और सिलेंडर, इसके बीच में ये सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर में ये पिस्टन, ये। अब इस पिस्टन के ऊपर ये पिस्टन के साथ एक रॉड लगा हुआ है और इस रॉड के साथ ये एक व्हील लगा हुआ है। जब ये ऐसा नीचे आएगा तो ये व्हील ऐसा घूमेगा, ठीक है। अब यहां पर हम पेट्रोल से स्पार्क कराते हैं, पेट्रोल में जैसे ही स्पार्क होता है पेट्रोल जलता है और उसके प्रेशर के कारण ये नीचे आता है, ये नीचे आता है, ये भी नीचे आता है और ये क्रैंक के कारण ये घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। मैं यहां आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब ये नीचे आता है और ये घूमता है, हमारी कार आगे बढ़ती है तो इसका काम खत्म नहीं होता, हम चाहते हैं ये दूसरी बार फिर ऐसा करे, तीसरी बार फिर ऐसा करे। लेकिन अड़चन है, क्या अड़चन है कि ये पेट्रोल का एक्सपेंशन इसको नीचे तो लाता है पर इसको ऊपर नहीं ले जा सकता, ये ऊपर कैसे जाएगा। तो बड़ा सिंपल आंसर है, ये नीचे आया तो इसने इसको घुमा दिया। ये जब यहां लास्ट में पहुंचता है, लास्ट में पहुंचकर अब और नीचे इसको नहीं जाना है, ये पेट्रोल जितना फैलना था फैल चुका, अब हम चाहते हैं ये वापस ऊपर जाए, कौन ले जाएगा इसको ऊपर। यस यू आर राइट, ये इसके साथ बंधा हुआ है और इसने इसको मोशन दे दिया। जब ये इसको मोशन देता है तो इसके पास एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब इसके पास मोशन आ गया तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल हो गया, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का इनर्शिया एप्लीकेबल हुआ, इट कीप्स ऑन मूविंग। भले अब ऊपर से फोर्स आना बंद हो गया, ये इतना फैल चुका फोर्स आना बंद हो गया, पर ये घूमते जाता है और घूमने के कारण फिर ये यहां से जब नीचे आके ऐसे ऊपर उठता है तो ये पिस्टन ऊपर चला जाता है, वापस ऊपर जाता है, दोबारा पेट्रोल जलता है, स्पार्क होता है, फिर नीचे आता है। फिर तो ऊपर से नीचे लाने का काम दबा कर कौन करता है, जला हुआ पेट्रोल एक्सपेंड होता है। नीचे से ऊपर ले जाने का कौन काम करता है, ये वाला व्हील यहां से। और क्यों ये करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करता है और इसको ऊपर ले जाता है। अब मान लीजिए ये नहीं है तो क्या होगा, पिस्टन एक बार नीचे आएगा कार ऐसे जाएगी, फिर पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा कार रुक जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि कार में स्मूथ राइड होनी चाहिए, उस स्मूथ राइड के लिए ये चलता है, फिर ऊपर आता है, फिर स्पार्क होता है, फिर स्पार्क के कारण ऐसा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से एक मिनट में 1500 बार ये ऐसे कर लेता है। अलग अलग गाड़ी का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। तो ये जो नीचे से ऊपर जाता है ये काम ये वाला व्हील करता है। अगर ये व्हील नहीं हो तो हमारा इंजन नहीं बन सकता। और इस व्हील का नाम है ये व्हील, या इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बड़ा सा व्हील, ये कौन होता है, ये होता है फ्लाई व्हील। तो हर इंजन में फ्लाई व्हील उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, बिना फ्लाई व्हील के इंजन नहीं बनता, नहीं चलेगा। इसलिए आप कोई भी इंजन देखिए उसके साथ एक फ्लाई व्हील लगा रहेगा, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। अब अगली चीज पर आते हैं। फ्लाई व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी को कंटिन्यू करता है और हमको एक स्मूथ राइड देता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 10 किलो का लोहा है उससे हम एक फ्लाई व्हील बना लें। हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन किस तरह के हैं कि या तो हम उसको डिस्क बना दें या हम उसको रिंग बना दें। तो हम ये पसंद करते हैं कि फ्लाई व्हील में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का प्रिंसिपल हमको ये सिखाता है कि मास जितना दूर रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। इसलिए हम 10 किलो में से 9 किलो पूरा रिंग में लगा देते हैं और ये 1 किलो के ये बना लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मास हम रिम पर रखना चाहते हैं ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाए। तो ये हमको बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द सिस्टम दैट डिसाइड्स दैट हाउ मच विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही
अगर हम एक रिंग लेते हैं और एक डिस्क लेते हैं, रिंग और डिस्क, डिस्क में पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पर है, कुछ पार्टिकल उसके अंदर पर है, कुछ पार्टिकल उसके अंदर है, कुछ पार्टिकल उसके अंदर है, और हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से अलग अलग हो सकता है। ध्यान दीजिए फिर से, ये रिंग का केस और ये डिस्क का केस। रिंग में पूरा मास, ऑल द 200 पार्टिकल्स आर हैविंग रेडियस आर। यहां पर सिर्फ 40 पार्टिकल का रेडियस आर है, बाकी 40 का आर से कम है और उससे कम है, इससे कम है। तो अगर हर पार्टिकल का इंडिविजुअल एम आर स्क्वायर हम काउंट करेंगे तो इसमें टोटल कम होगा, इसका टोटल फुल होगा। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। ठीक है, अब दोनों साइकिल पर हम जाते हैं और रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा आता है, इसके ऊपर से जाना है, किसके रुकने के चांस हैं और कौन पार निकल जाएगा? डिस्क के कम रुकेगा, कौन? डिस्क रुक जाएगा और रिम उससे पार हो जाएगा। तो ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनेशन में आता है। किस तरह से इसकी लैंग्वेज होती है, व्हाई राइडिंग ए रिम इज मोर कंफर्टेबल देन राइडिंग ए डिस्क। ठीक है, मोर कंफर्टेबल, तो ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होती है? हम साइकिल चलाते हैं, लगातार पैडल नहीं चलाते, थोड़ी देर पैडल चलाते हैं, फिर पैडल मारना बंद कर देते हैं और साइकिल चलते जाती है। किस प्रॉपर्टी के कारण चलते जा रही है? हम तो पैडल नहीं लगा रहे। वेरी गुड, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, उसके कारण वो चलती जाती है। रास्ते में एक पत्थर आया, कौन उसको पार करेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा की कम? जिसका इनर्शिया ज्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी हो जिसके व्हील्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होता है, जिसके वेट किनारे किनारे पे मास ज्यादा होते हैं या जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? किनारे पे मास ज्यादा होते हैं। अब आप कोई भी गाड़ी देखिए, आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, ट्रक, जिसको भी आप देखिए, हर एक का व्हील जो आपको मिलेगा, यहां किनारे पे लोहा ज्यादा मिलेगा, फिर यहां एक पतली सी प्लेट आएगी और यहां पर एक्सल पकड़ा हुआ। ये पुरानी गाड़ियों में स्पोक होते थे, आजकल स्पोक नहीं होते, ये पूरा स्टील दे देते हैं, पर ये एक स्टील की प्लेट ही रहती है। यहां पर ये वाला हिस्सा जहां टायर लगता है वो हमेशा हैवी होता है। ये क्या करता है, दिस गिव्स ए स्मूथ राइड, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्मूथ राइड। तो स्मूथ राइड के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी मोर। ठीक है, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे जाके बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे और इसके क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक गन्ने का रस निकालने की मशीन है, गन्ने का रस निकालने की मशीन है, उसमें दो रोलर हैं, उस रोलर के बीच में ऐसे गन्ना आता है और ये उसको दबाते हुए चला जाता है। आप जाते हैं, देखते हैं बड़ी ये तो फ्री घूमती है, और आप उसको हाथ से घुमाते हैं, जैसे ही गन्ना बीच में आता है हाथ रुक जाता है। क्यों? उसका गन्ने का रेसिस्टेंस आ गया और वो उसको घूमने नहीं दे रहा है। हमको मालूम है बीच में आ गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा, घूमने नहीं देता है, तो उस समय जो रस निकालने वाला है उसको घुमा भी नहीं पाता, बहुत ताकत चाहिए उसको घुमाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा गन्ने रस की मशीन में वो जो दो रोलर रहते हैं, एक रोलर के साथ, किसी भी एक रोलर के साथ एक बहुत बड़ा व्हील लगा रहता है, दूसरी तरफ हैंडल के दूसरी तरफ वो जो व्हील रहता है, उसकी बनावट आप देखेंगे वो इस तरह का रहेगा, ऐसा, ये बस लोहे का एक ऐसा व्हील बना रहता है, और इसको रोलर के साथ लगा देते हैं। इसके साथ कोई बेल्ट नहीं है, इसके साथ कोई गन्ना टच भी नहीं होता, ये हवा में घूमता रहता है। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि ये क्यों लगाया इतना भारी, उसको चलाने में मशीन को भारी बनाता है, और न ये गन्ने को दबाता है, न इसके साथ बेल्ट है, इसका कोई काम नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब वो शुरू में इसको घुमाता है तो धीरे धीरे इसके बराबर फोर्स देके इसमें स्पीड ले आता है,
इसकी रोटेशनल वेलोसिटी को बढ़ा देता है। इसके पास वेलोसिटी आ गई, इसके पास इनर्शिया आ गया, इनर्शिया वेलोसिटी। ओके, अब इसके पास इनर्शिया आ गया और उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ज्यादा है या कितना कम है। उसके बाद जब ये फुल स्पीड में आ जाता है तो वो इसके साथ रोलर तो जुड़ा हुआ है, जब वो फुल स्पीड में आता है तो रोलर के बीच में वो गन्ना डालता है। अब जैसे ही वो गन्ना डालता है, गन्ना फोर्स लगाता है और वो रोलर को रोकने की कोशिश करता है, और कौन नहीं रुकेगा? ये व्हील नहीं रुकेगा। रोलर तो रुक सकता है, छोटा सा है, लेकिन ये व्हील बहुत बड़ा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानबूझ के हमने इसका रेडियस बहुत बड़ा बनाया, जानबूझकर हमने इसका मास किनारे किनारे पर रखा और इसका मास ज्यादा बनाया। तो इसका आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हम इतना ज्यादा कर देते हैं कि गन्ना भी इसको रोक नहीं पाता और रोलर दोनों चलते रहते हैं और गन्ना पिस के चला जाता है। इसलिए ये हेल्प करता है क्या करने के लिए? स्मूथ राइड के लिए। स्मूथ राइड मतलब मेंटेनिंग द सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन को मेंटेन करता है ये, और ये जो चीज है ये सर्कुलर मोशन को स्मूथली मेंटेन करना, ये हमारी इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर चीज, हर इंजन हमारा घूमता है, भले हमारी मोटरसाइकिल कार का इंजन हो, भले हमारे फैक्ट्री में लगे हुए इंजन है, हर जगह सर्कुलर मोशन होता ही है। और हम हर जगह चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन हमारा स्मूथ होना चाहिए, गटगट गटगट करके नहीं चलना चाहिए। सबको मालूम है कितना प्रॉब्लम होता है और मशीन खराब हो जाती है। तो राइड हमेशा स्मूथ चाहिए, और स्मूथ राइड की शर्त क्या है? इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो चीज है, ये चीज आपको हर इंजन में मिलती ही है, भले आपको आंख से दिखे, भले वो उसके ऊपर कुछ लगा देते हैं। तो कार का इंजन, मोटरसाइकिल के इंजन, हर एक में ये होता है। जब आप उसके इंजन का पैनल खोलते हैं तो ये आपको दिखता है, एक बड़ा सा व्हील रहता है, और इसका इंजीनियरिंग में हम लोग नाम रखते हैं फ्लाई व्हील। ओके, ये नाम आपका जानना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके नाम से आते हैं। दैट किस तरह का क्वेश्चन? व्हाई फ्लाई व्हील इज नेसेसरी इन इंजन? इसका वन मार्क आंसर क्या देंगे आप दो लाइन में? बिकॉज इट हैज गॉट लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ड्यू टू दैट लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट कैन गिव ए स्मूथ रोटेशनल राइड, इट कैन गिव ए स्मूथ रोटेशनल मोशन। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से, व्हाट इज स्पेशल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्लाई व्हील? व्हाट इज स्पेशल आंसर? इट्स रेडियस इज लार्ज एंड ऑल द मास, मोस्ट ऑफ द मास इज सिचुएटेड इन द सर्कमफेरेंस। ये इसकी कंस्ट्रक्शन की स्पेशलिटी है। कोई भी फ्लाई व्हील आप देखिए, मास आपको कहां मिलेगा? सर्कमफेरेंस में, ताकि उसका रेडियस बड़े से बड़ा रहे। ये समझ में आया? ये फ्लाई व्हील के दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इनको तैयार करिए। ओके, तो इस तरह से ये हमको दो चीजें हमको समझ में आती हैं। नंबर वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। नंबर टू, मोर इज द मास नियर द सर्कमफेरेंस, मोर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इफ मास इज नियर सर्कमफेरेंस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लार्जर और मोर। ठीक है, ये अच्छा। अब हम वापस उस चीज पे आते हैं जो मैंने स्टार्ट की थी, कि अगर हमारे पास शेप अलग अलग है, ये वाली शेप है, डिस्क है, उस शेप में हमको पता क्या रहता है? हमको पता रहता है दो चीजों का, एक उसका मास कितना, दूसरा उसकी लेंथ कितनी। लेंथ यानी डायमीटर, रेडियस, रॉड है तो रॉड की लेंथ, ये चीजें सिर्फ हमको पता रहती, और हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है। हमको क्या नहीं पता रहता, वो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि डिस्ट्रीब्यूशन कहां मास है और कहां नहीं है। जैसे हमने एक रॉड लिया, अब रॉड तो लंबा होता है, ये इसको मैं सेंटर से घुमाऊंगा, इसका मास 1 kg है, पर पूरा 1 kg यहां पर है क्या? नहीं है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां। तो मुझे इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस करनी पड़ती है,
इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इनर्शिया, इसका इनर्शिया, इसका इनर्शिया, और सबको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन का एक मेथड है, और उस इंटीग्रेशन के मेथड से मैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। उसी तरह से अगर मेरे पास एक डिस्क है तो इस डिस्क में ये एक छोटा सा रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, सबको आपस में इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस पूरी डिस्क का है। ये सारे मैथमेटिकल प्रोसेस, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि अभी 11th के सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करते थे 3 साल पहले, तो हम लोग उसको भी पढ़ाते थे। तो अभी फिर क्या है, अभी सिर्फ आपको ये आइडिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और कैसी शेप है, उस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग जो शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करते हैं उसमें कोई भी चीज रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल मोशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्क घूम रही है, ये ठीक है, ये डिस्क घूम रही है, ये अब भी तो घूम रही है, ये डिस्क घूम रही है ऐसे, तो ये डिस्क ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, और ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, और हर तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग हो सकता है। जब ये ऐसे घूमेगी तो कोई भी मास इसका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। जब ये ऐसे घूमेगी पंखे जैसे तो ये वाला मास 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और आर स्क्वायर 10 का कितना हो जाएगा, 100, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट, और जब हम ऐसा घुमाते हैं तो ये वाले जितने पार्टिकल्स हैं इस सब का रेडियस ऑफ रोटेशन 0, ये क्योंकि ये तो छोटा सा ही सर्कल बनाते हैं। इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब शेप अलग होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होने से भी अलग हो जाएगा, दैट मेक्स इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इस कॉम्प्लिकेशन को हमने 1, 2, 3 स्टेप में सॉल्व किया है और वही चीजें आपको याद करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उस एक्सिस से लेंगे जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, क्योंकि किसी भी बॉडी को हम फ्रीली रोटेट करेंगे तो किसके चारों तरफ घूमती है, सेंटर ऑफ मास। इस डिस्क को अगर मुझे घुमाना है तो ये इसकी सबसे नेचुरल स्टेट है घूमने की, ये वाली एक्सिस कहां से पार होती है, सेंटर ऑफ मास से, और एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अब से आपको एक लैंग्वेज डेवलप करनी है, वो लैंग्वेज है एक्सिस को डिस्क्राइब करने की, ये इस एक्सिस को क्या कहेंगे, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पहला शब्द ये पासिंग थ्रू, दूसरा डायरेक्शन, ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। तो ये दोनों को इकट्ठा बोलिए, द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। फिर अब मैं बदल रहा हूं इसको, ये ऐसा घूम रहा है बॉडी, अब क्या बोलेंगे, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द डिस्क। ये फिर से ऐसा घुमा रहा हूं इसको, अब इसको शब्द दीजिए, गिव द वर्ड्स टू दिस एक्सिस, डिस्क्राइब इट। ये सबसे इजी है एक ही सेंटेंस में, द एक्सिस इज टेंजेंशियल टू द डिस्क, है टेंजेंट बस। तो एक्सिस को एक्सप्लेन करना मोस्टली स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम जाता है, इसलिए लेट्स प्रैक्टिस इट। सेंटर से पास होती है, इस एक्सिस के वर्ड्स बोलिए, क्या बोलेंगे, पासिंग थ्रू नॉर्मल टू प्लेन, इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, इसे क्या बोलेंगे, पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक, ये इस पेन को मैंने घुमाना है और ये ऐसा घुमा रहा हूं, डिस्क्राइब करिए एक्सिस को, ये एक्सिस है, इसके लिए वर्ड्स क्या लिखेंगे आप,
पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक। अब इसे मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ए ये ऐसा ऐसे, एक्सिस दिख रही है। अब बोलिए टेंजेंट नहीं, ये तो सर्कल नहीं है इसलिए टेंजेंट नहीं, इसकी लोकेशन बताइए कहां है, सेंटर है कि वन एंड है। हाँ, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, एंगल बताइए, यस। अब दोनों को जोड़ दीजिए, द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ये हर एक के साथ पहले लगेगा, द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लिखते बनेगा। और साथ ही जहां पर ये लिखा होगा उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए, अगर वहां पर लिखा हुआ है देयर इज ए रॉड विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज नॉर्मल टू द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो आप क्या समझेंगे, फिर से द एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड एंड नॉर्मल टू द लेंथ, ये आगे, और ये घूमेगा कैसे, ऐसे, समझ आया। फिर से सुनिए, देयर इज ए रॉड विच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ, यहां से 3 सेंटीमीटर और नॉर्मल टू द लेंथ, ये एक्सिस। अब ये घूमेगा कैसे, यस, ये इसका घूमने का, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बननी चाहिए वंस यू सी द वर्ड्स। तो आपको कनेक्ट किसको करना है, जो शब्द लिखे हुए हैं उसको और जो उसकी पिक्चर बनती है उसको। ओके, ये फैन के रोटेशन की एक्सिस बताइए, पासिंग थ्रू व्हाट, वेरी गुड, ठीक, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन, ये फैन की है एक्सिस, समझ आया। इस तरह से एक्सिस को वर्ड देना आपको आना चाहिए, और जब वर्ड्स में लिखा हुआ है एक्सिस तो उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बिना रोटेशनल मोशन नहीं बनेगा, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। ओके, तो अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए, उस सबके रिजल्ट हम याद कर लेंगे, वो जो रिजल्ट का एक बेसिक जो 4-6 रिजल्ट्स हैं वो उसका एक चार्ट बना के याद कर लेते हैं। उसमें हम डिफरेंट शेप्स लेंगे, डिफरेंट शेप्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये पहला रिंग, सबसे सिंपल शेप क्या होती है, रिंग, रिंग के हर पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, आर, मतलब सब पार्टिकल एक समान ही होते हैं, और सभी एम आर स्क्वायर, हर एक पार्टिकल का एम आर स्क्वायर एक जैसा होता है, जब सबको ऐड करेंगे पूरे का एम भी ऐड हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए रिंग का जो एक्सिस हम डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन, ये इसकी एक्सिस है। ओके, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर,
ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा डिस्क, डिस्क की एक्सिस सेम, डिस्क भी ऐसे गोल होगी, द एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर। नंबर थ्री, सिलेंडर, सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर। इसको हम घुमाएंगे कैसे, तो इसकी एक्सिस को हम देते हैं नेचुरल एक्सिस। सिलेंडर की नेचुरल एक्सिस किसको कहते हैं, ये सिलेंडर हमने लिया, ये सिलेंडर, और यहां पर ऐसे लाइन की कल्पना करिए, यहां से ऐसे लाइन जा रही है और यहां से ऊपर आ रही है इसकी सरफेस के पैरेलल, ये इसकी नेचुरल एक्सिस है, ठीक है। तो नेचुरल एक्सिस के चारों तरफ सिलेंडर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, ये हर पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से आर है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी एम आर स्क्वायर ही होगा। फिर से सोचिए, एक रिंग, उसके नीचे दूसरा रिंग, उसके नीचे तीसरा रिंग, उसके नीचे चौथा रिंग, ये ऐसे मिला दिया, क्या बन गया, सिलेंडर। और इस रिंग का मास 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 सबका मास हमने जोड़ दिया तो टोटल सिलेंडर का मास आ गया, इसलिए फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो सिलेंडर का फॉर्मूला भी क्या होगा, एम आर स्क्वायर। कौन सा सिलेंडर है ये, हॉलो। अब बताइए, अगर हॉलो की जगह ये सॉलिड सिलेंडर होगा तो क्या होगा, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, सारे डिस्क मिलाकर एक सिलेंडर बनता है, फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, हाफ एम आर स्क्वायर, एम ऑटोमेटिकली इसका बढ़ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, स्फीयर, स्फीयर भी हमको दो तरह से मिलेंगे, एक स्फेरिकल शेल जैसे ये है और बीच से खोखला है, अंदर से खाली है और ऐसे घूमेगा, एक सॉलिड है, उसका रेडियस, इसका रेडियस, दोनों का रेडियस आर है, दोनों ऐसे घूम रहे हैं, एक का फॉर्मूला है 2/5 एम आर स्क्वायर। छोटा क्यों हो गया 2/5, क्योंकि देखिए ये वाला मास जब घूमता है तो इसका रेडियस कितना है, ये इतना सा रेडियस है, ये वाले मास का इतना, ये वाले मास का इतना, और अगर रिंग होता तो क्या होता, पूरे मास का रेडियस इतना बड़ा होता, इसलिए स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रिंग से कम होता है, क्यों, इसका मास नजदीक आते जाता है, रेडियस छोटा होते जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर से मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, जरा दिमाग लगाइए, एक का सॉलिड और एक हॉलो, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3/5 और एक का है 2/5, बताइए 3/5 किसका, 2/5 किसका, हॉलो कौन सा, सॉलिड कौन सा, स्फीयर एक है हॉलो और एक है सॉलिड, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, दोनों में बड़ा कौन है, 2/3 बड़ा है और वो किसका है, हॉलो, तो हॉलो का हमेशा ज्यादा होगा, फिगर ठीक से करेक्ट कर लीजिए, कितना कितना है, यस 2/3 एंड 2/5, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर और हॉलो का 2/3 एम आर स्क्वायर। इसके बाद हम लेते हैं रॉड, ये
दिस इज ए थिन रॉड जिसकी लेंथ एल है और जिसका मास एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस को डिस्क्राइब करते हैं. एक्सिस इज व्हाट बोलिए इसको, यस, नॉर्मल टू रॉड पासिंग थ्रू, वेरी गुड, पासिंग थ्रू सेंटर. ठीक है, अब आपको शब्द लिखने आ गए. इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ml स्क्वायर अपॉन 12. ठीक है, अगर इसकी जगह हम एक प्लेन ले लेते हैं, बस एक प्लेन को और इसी में नोट करते हैं, इतने इंपॉर्टेंट काफी हैं. ये एक लेमिना है, इसके सेंटर से हमने ऐसे एक्सिस बनाई और इसके चारों तरफ इसको घुमाया. ये किस तरह से बना, ये एक प्लेन लेमिनेट है, ये एक्सिस है और ये ऐसे घूम रहा है ये. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है और इसकी ब्रेथ b है. तो इसका फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, एंड दिस विल बी m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12. अपॉन 12 भी वैसे ही है, m भी वैसे ही है, l स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर. तो ये कुछ ऐसे शेप हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमको जरूरत पड़ते हैं या हमारे न्यूमेरिकल्स में हमको जरूरत पड़ेंगे. ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होंगे और जब शेप्स इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो इसको लेके हम स्टार्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सबको याद रखना है. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस इस फॉर्मूले में हर जगह एक्सिस कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ मास. ये सारे फॉर्मूले सेंटर ऑफ मास वाले, जब हम सेंटर ऑफ मास से स्लाइड करके खिसक के किसी दूसरे पॉइंट से घुमाना शुरू करते हैं, जैसे ये यहां से घूम रहा है तो अपॉन 12 वाला फॉर्मूला है, पर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसा घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये हमारा थर्ड स्टेज आएगा. इसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे कि जब हम सेंटर ऑफ मास से एक्सिस को हटा देते हैं तो हटाने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, वो इसके बाद स्टडी करेंगे. उसके पहले एक छोटी सी चीज और स्टडी करते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन.